इंडिया न्यूज पंजाब देख रहे हो तुसी, मैं हाँ नीलम शर्मा। बुलेटिन का आगाज करांगे वड्डी खबर दे नाल। इस वक्त की वड्डी खबर सामने आ रही है, पंजाब विच सत्तवे दिन भी बसां दा चक्का जाम। पंजाब रोडवेज से पनबस कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। अज सत्त दिन हो गए ने, 8000 मुलाजम हड़ताल से 2000 बसा रुकिया हुई ने। पक्के होण दी मंग की जा रही है इन्हां मुलाजमां वल्लों। ठेके ते काम करदे ने मुलाजम ते पक्का करन दी मंग की जा रही है, ते तनखा विच वाधा करन दी भी मंग की जा रही है। वक्त वक्त थावां ते प्रदर्शन किया जा रहा है। सत्तवां दिन अज इन्हां नूं प्रदर्शन कर देवे हो गया है। अज विधायकां दे घरां दा एक घेराव भी करनगे, पक्के होण दी मंग कर रहे ने। ते मीटिंग भी हुई इन्हां दी पर बेसिट्टा रही है। सरकार नाल इन्हां दी मीटिंग हुई ते बेसिट्टा रही है, ते अज विधायकां दे घरां दा घेराव करनगे वक्-वक् थावां ते। ते सत्तवें दिन भी अज प्रदर्शन जारी है। पिछले लंबे समय तो पक्का करन दी मंग कर रहे ने। इस दौरान इन्हां ने बस अड्डे भी बंद कर दिते सन। इस तों बाद आम जनता नूं खासी दिक्कतां दा सामना करना पै रहा है। इसका असर प्राइवेट बसों से भी वेखण नूं मिल रहा है, क्योंकि लोगों नूं लग रहा है कि चक्का जाम होया ते घरों बाहर ही नहीं निकल रहे, ते प्राइवेट बस आपरेटरां ते भी इस हड़ताल का असर वेखण नूं मिल रहा है। ते सत्तवें दिन भी इन्हां प्रदर्शनकारियां वल्लों ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कच्चे मुलाजम ने ते पक्का करन दी मांग कर रहे ने। पिछले लंबे समय तो वड्डी गिणती विच हड़ताल ते बैठे हुए ने, ते कई बसां रुकियां होईयां ने, ते लोकां नूं आम जनता नूं अपनी मंजिल तक पहुंचण विच खासी दिक्कतां दा सामना करना पै रहा है। उन्हां नूं प्राइवेट वाहन करने पै रहे ने। पंजाब रोडवेज ते पनबस मुलाजमां दा ये प्रदर्शन जारी है। बस स्टैंड भी इन्होंने बंद कर दिते सन। सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की जा रही है। इन्हां दी मंग है इन्हां पक्का किया जाए जल्द तो जल्द। सीधे सीधे कांग्रेस सरकार से सवाल चुक रहे हैं। इन्हां दा कहना है कि सत्ता विच आउण तो पहला कांग्रेस ने यह दावा किया सी, नाली वादा भी किया सी कि इन्हां नूं पक्का किया जाएगा, पर 4.5 साल बीत जाने तो बाद भी इन्हां नूं हुण तक पक्का नहीं किया गया, ते ना ही तनखाह विच वादा किया गया। जिस तों बाद वड्डी गिणती विच ये ठेका मुलाजम हड़ताल कर रहे ने, सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी कर रहे ने, सवाल चुक रहे ने सत्ता धिर सरकार ते कि वादे तो उस समय कर दें दियो पर वो पूरे नहीं होंदे। 2017 विच सत्ता विच आउण तो पहला कांग्रेस वल्लों इन्हां नूं पक्का करन दा वादा किया गया सी, ते हुण तक इन्हां नूं पक्का नहीं किया गया, ते सड़कां ते बैठे ने। पंजाब विच सत्तवें दिन भी सरकारी बसां दा चक्का जाम। पंजाब रोडवेज पीआरटीसी पनबस मुलाजम लगातार प्रदर्शन कर रहे ने। साडे सहयोगी अनिल भारद्वाज जुड़ गए ने साडे नाल। जी अनिल, अज सत्त दिन हो गए ने इन्हां नूं प्रदर्शन करदे हुए, ते अज विधायकां दे घरां दा घेराव करनगे ये ठेका मुलाजम। जी बिल्कुल, अज सत्तवां दिन है और जो सूचना मिल रही है जलंधर च प्रगट सिंह दे घर दा घेराव करन दा प्रोग्राम है इन्हां दा, जो कि जनरल सकत्तर ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे, ते इस तों इलावा होर भी थावां ते प्रदर्शन चल दबाव बनाने की एक रणनीति के तहत इंप्लाइज ने चले हुए ने, लंबे समय तो डिमांड कर रहे हैं पक्के करन दी, और इस तों अलावा जिहड़ियां सरकारी बसां है उन्हां नूं होर वधाउण दी। पर सत्तवां दिन है हाले तक इन्हां दी मंग जिहड़ी है एक दौर की मीटिंग पहला हो चुकी है, बट उहदे च कोई नतीजा नहीं निकलिया, तो हुण मुख्यमंत्री दे नाल इन्हां मंगलवार नूं मीटिंग होनी है, तो उस तों पहलां इह अपना पूरा जिहड़ा जोर हैगा उलारे तक जिहड़ियां मंगां हैगियां उह मन्नियां जाणगियां।
अनिल इन्होंने सीधे तौर से सत्ता धिर सरकार से इल्जाम लगाए ने कि 2017 विच सत्ता विच आउण तो पहला उन्होंने वादे किए सी कि इन्हां नूं पक्का किया जाएगा ते हुण 4.5 साल हो गए ने पर हुण तक इन्हां नूं ना तां पक्का किया गया ते ना ही इन्हां दी तनखाह विच वादा किया गया जी उही गल्लां ने इसे करके जिहड़ी इंप्लाई यूनियन जिहड़ियां हैगियां चाहे पीआरटीसी है पनबस है पंजाब रोडवेज है सारे जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट मुलाजम ने वो हड़ताल से ने 7 दिनों तो लगातार इस तो अलावा भी बाकी होर कई जथेबंदियां अलग अलग जिहड़े विभाग ने उन्हां दीआं जिहड़े इंप्लाइज ने वो भी स्ट्राइक पर चल रहे हैं टीचर भी स्ट्राइक पर चल रहे हैं तो सारे की कोशिश है कि सरकार क्योंकि हम 3-3.5 महीने बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए तो उसको पहला पहला जो भी हो सकता मंगा मनवाई जा सकती मनवा लिया जा उस कड़ी के रोडवेज कर्मचारियों का भी जारी है धरना और बाकी जो इंप्लाई यूनियन है उन्होंने भी धरना जारी है तो मीटिंग जरूर चल रही हैं क्योंकि काफ़ी सारे जोड़े मंगा है अलग अलग जथेबंद ने मन भी चुकी है सरकार पर हाले तक ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम ने पन बस के पी आर टी सी के और पंजाब रोडवेज इन्हों की मंगा हाले भी नहीं मनिया गई जिस करके तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। सो पंजाब विच 7वें दिन भी सरकारी बसों का चक्का जाम ते पंजाब रोडवेज पनबस पीआरटीसी मुलाजमान का प्रदर्शन जारी है हड़ताल से बैठे ने सड़कों से उतरे ने सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी कर रहे ने पक्के होने की मांग की जा रही है पिछले लंबे समय तो इस तो अलावा तनखा विच भी वाधा करने की मांग कर रहे ने ते सरकार खिलाफ नारेबाजी की जा रही है हुण तक इन्हां नूं पक्का नहीं किया गया वादे दावे तो वड्डे वड्डे किए गए पर वो पूरे नहीं किए गए। पंजाब रोडवेज पनबस ते पीआरटीसी मुलाजम दा प्रदर्शन जारी है ठेका मुलाजम हड़ताल ते ने ते पक्का करन दी मांग कर रहे ने अज विधायकां दे घरां दा घेराओ भी करनगे। वख-वख थावां ते प्रदर्शन किया जा रहा है ते सरकार खिलाफ नारेबाजी की जा रही है ते अज विधायकां दे घरां दा घेराव भी किया जाएगा। सूबे विच करीब 2000 बसां रुकियां होईयां ने इन्हां दी हड़ताल दे कारण। वधेरी जानकारी देण लई पटियाला तो साडे सहयोगी अविनाश कंबोज जुड़ गए ने। जी अविनाश अज पीआरटीसी पनबस ठेका मुलाजम विधायकां दे घरां दा घेराव करनगे की कुछ जानकारी नीलम किधर ने किधर गल करिए ते साफ तौर ते दूजे पासे अध्यापकां दे वल्लों भी जिहड़ा है अज मुख्यमंत्री दे निवास स्थान दा घराओ करिया जाणा है ते किधर ने किधर जिहड़े अध्यापक यूनियन वाले हैं उन्हां वल्लों फुहारा चौंक जिहड़ा पटियाला संगरूर रोड है वह जाम कर दिता गया है ते दूजे पासे जिहड़े पीआरटीसी ते ठेका कर्मचारी यूनियन है उन्हां वल्लों भी रणनीति तैयार की जा रही है ते किधर ने किधर अज सारा दिन जिहड़ा है मुख्यमंत्री दा शहर धरनिआं दा गढ़ बणिआ रहेगा। जी नीलम अविनाश इन्हां दा कहना है अजे विधायकां दे घरां दा घेराव करनगे। जी नीलम बिल्कुल सही कह रहा हूं क्योंकि अज जिन्हें भी विधायक ने पूरे पंजाब च उन्हां सारिआं दे घर दा घेराव करन दा जिहड़ा ऐलान है वह किया गया है ते किते ना किते थोड़ी देर दे विच जिहड़ी तस्वीरां उह साफ हो जाएंगे क्योंकि रणनीति बनाई जा रही है भी किधर दे रस्ते तों इह विधायकां दे घर वल जाणगे। अविनाश 7 दिन हो गए ने इन्हां नूं लगातार प्रदर्शन करदे हुए ते मीटिंग भी होई इन्हां दी बेसिट्टा रही ते अज घेराव करनगे इन्हां दा सीधे तौर ते सत्ता ते सरकार ते भी इल्जाम है कि वादे किए गए 2017 विच सत्ता विच आउण तों पहला पर हुण 4.5 साल हो गए ने पर हुण तक पूरे नहीं किए गए। नीलम कितने कितने हर बार प्रशासन के वालों जी मीटिंग उलीके जी मीटिंग करवाई जांत्रियों जी मीटिंग है उनका जो नतीजा प्रदर्शनकारियों के हक में नहीं आता जिदे करके एक बड़ा संघर्ष उलीकिया जाता है क्योंकि सरकार के दबाव बनाने के लिए एक बड़ा संघर्ष उलीकते हैं कि साड़ी जिहड़ी मंगा ने वह मनिया जाए पिछले 4.5 साल हो चुके हैं लेकिन कितने ना कितने जिहड़े प्रदर्शनकारी है उन्होंने जिहड़ी मंगा नहीं मनी जाती हैं जिदे चलते हुए अलग अलग जिहड़ियां जथेबंदियां वल्लों अज का जिहड़ा प्रदर्शन उलीकिया गया पटियाला जिथे कि विधायकों के घर का घेराव भी किया जाएगा तो दूजे पास मुख्यमंत्री के निवास स्थान का घेराव करन दा जिहड़ा ऐलान है अध्यापकों वल्लों किया गया सी ते पटियाला फुहारा चौंक जिहड़ा है संगरूर रोड है पटियाला संगरूर रोड वह जाम कर दिता गया। जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश। सो अज पटियाला विच प्रदर्शनों का दौर जारी रहेगा अध्यापकों वल्लों मुख्यमंत्री पंजाब की रिहायश का घेराव किया जाएगा इस तों अलावा पीआरटीसी पनबस ठेका मुलाजमान का 7वें दिन भी धरना जारी है ते अज विधायकों के घर का घेराव किया जाएगा।
वक्त-वक्त थावां ते प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पक्के करन दी मांग की जा रही है। इन मुलाजमान वालों तनखाह विच वाधा करन दी भी मांग की जा रही है। अज सत दिन हो गए ने ते अज विधायकां दे घरां दा घिराओ किया जाएगा। बसों का चक्का जाम है जिस करके आम जनता नूं काफी दिक्कतों का सामना करना पै रहा है। श्री गुरु नानक देव जी ते